हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरौर की निवासी महिला किसान निर्मला धीमान को सराहनीय कार्यों के लिए गत वर्ष मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट की ओर से राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में निर्मला ने मात्र 900 रुपए की लागत से मशरूम उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्होंने 35,000 रुपए का मुनाफा कमाया। इसी तरह वर्ष 2002 में अपने गांव की 20 महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और समूह को सरकार के आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा। प्रोजेक्ट से मिली आर्थिक सहायता व मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट से प्रशिक्षण प्राप्त कर बड़े स्तर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया। महिला किसान निर्मला धीमान की मेहनत व प्रयासों की बदौलत स्वयं सहायता समूह मशरूम उत्पादन से 6 महीने में एक सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा है। निर्मला का कहना है कि साल के अन्य दिनों में रोजगार दिलाने के लिए वे महिलाओं को चीड़ की पत्तियों से बने उत्पादों का भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उनके द्वारा तैयार उत्पाद को राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा प्रदर्शनियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। सन 2002 से मशरूम का कार्य शुरू किया था। इसकी ट्रेनिंग सर हमें सहकारिता द्वारा चंबाघाट सोलन से हम सभी महिलाओं को दी गई थी, जिससे सर मैंने 2000 से लेकर आज 2023 तक मेरा मशरूम का कार्य जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चला हुआ है। सितंबर से लेके मार्च तक हम सर मशरूम का कार्य करते हैं और सर उसके बाद जैसे मशरूम का कार्य खत्म होता है तो उसके बाद सर पाइन नीडल का सीजन, जैसे चील की पत्तियों का सीजन स्टार्ट होता है सर, तो मई से लेके अगस्त तक हम सर चील की पत्तियों का कार्य शुरू करते हैं, जिसे पाइन नीडल कहा जाता है। और सर इसमें भी मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं कुछ 3000 लेडीज को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है और सर एक मुझे नमो यूनिवर्सिटी पुरस्कार भी मिला है सर, वो जम्मू कश्मीर से मिला था और एक चंबाघाट सोलन से मिला है। बाकी पिछले सर महिला दिवस से सर अपने ब्लॉक से मिला है। एक गांव में कम से कम ज्यादा परिवार नहीं होंगे तो 100 परिवार को ऐसा जो मशरूम का कार्य करता है और इसमें सभी महिलाएं जुड़ी हुई है और सभी महिलाएं ज्यादा कोई 500 बैग, कोई 400, कोई 200, कोई 100 बैग सभी महिलाएं रखते हैं सर, वो अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं सर। निर्मला धीमान से प्रेरणा व प्रशिक्षण पाकर कई महिलाएं मशरूम उत्पादन से जुड़ी हैं, साथ ही ऑफ सीजन में चीड़ की पत्तियों से बने उत्पाद बेचकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही हैं। चल रही है चलाऊ की ये बहुत अच्छी है और हमारी मैम है जो बहुत अच्छे से काम सिखाती है हमारे को, हमारा भी इसमें मन भी लगा रहता है और काम भी बढ़िया है। अपने जो भी घर का काम करके आ जाती है सभी लेडीज यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे अपनी जो है जो हमारी मैम सिखाती है वो सीखते हैं यहाँ पे आके। और 2 महीने हो गए सर हमारे को, 8 तारीख हो जाने 2 महीने। जो मशरूम का काम भी करती थी सर जी, 4-3 से स्टार्ट किया था हमने, सभी ने ग्रुप वाले 50,000 कमा लेते थे एक सीजन में। हाँ जी, मैं किसी से अपने घर वालों से भी कोई वो नहीं करती थी। अब मशरूम से इतना फायदा था, अपने लिए भी बेच भी लेती थी, अपने लिए भी बना लेते थे, कोई मेहमान आता है तभी भी बना लेते थे। अपनी जो इनकम निकलती थी जैसे पन्नी होती है और उसका भी निकालना, जैसे मैंने तोलने वाली वो तकड़ी ली थी उसका भी पैसा निकालना और अपनी भी निकालना, घर का काम भी करना। पापी बॉक्स बनाया, एक पेन कोड बनाया और पंखे हैं, फ्रूट के लिए टोकरी हैं। इसमें सर ये चलारू बोलते हैं और धागे और पाइपें कैंसी, तो 2-3 दिन लग जाते हैं जैसे आइटम के हिसाब से, बड़ी आइटम हो तो 3-4 दिन में, अगर छोटी है तो 1 दिन में। काम करते हैं जैसे रेशम का काम भी किया, मशरूम का किया और मोमबत्ती भी बनाती हूँ, सारा जो भी काम चलता है उसमें जैसे स्वेटर वगैरह जो भी है वो सारा काम करते हैं। अब पीछे टेडी बियर की लगी थी प्रिंट तो हमने टेडी बियर भी बनाते हैं, हम टेडी बियर की भी सीख ली, अभी चलाने के लिए तो उसको भी सीख लिया। निश्चित रूप से निर्मला धीमान उन महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कृषि के साथ स्वरोजगार अपनाकर अपनी व परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करना चाहती है। डीडी न्यूज के लिए बिलासपुर से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट।